हाँ भाई, मैं आरती हूँ, जंग के लिए तैयार। तो भाई, इसी सीरीज में अब हम आ चुके हैं अपने नेटवर्किंग वाले चैप्टर पे। तो इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे पूरा का पूरा कंप्यूटर नेटवर्क्स, ठीक है। और इस सिंगल वीडियो के बाद आपको कंप्यूटर नेटवर्क्स पूरा का पूरा अच्छे से आ जाने वाला है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखते रहना पूरे एंड तक, ठीक है। और इस पूरे के पूरे चैप्टर को साथ में खत्म करते हैं। और 12th की इसी सीरीज से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सर, सबसे पहले जैसे आप देख सकते हो सामने यहाँ पे स्क्रीन पे नोट्स दिख रहे हैं। अगर आपको यार नोट्स डाउनलोड करने हैं तो फिर हो सकता है मैंने शायद डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा होगा, या फिर आपको टेलीग्राम चैनल पे भी आप जाके उनको इजीली एक्सेस कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको इजीली नोट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले यार देखो, नोट्स में मूव ऑन करते हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारे कंप्यूटर नेटवर्क का इंट्रोडक्शन, ठीक है, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट। तो यहाँ पे कंप्यूटर नेटवर्क सबसे पहले डेफिनेशन दे रखी है। तो यार देखो, कंप्यूटर नेटवर्क हमें तो ऑलरेडी वैसे भी पता हुई है क्या है। बेसिकली इंटरकनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स स्लैश डिवाइसेस फॉर डाटा एंड रिसोर्स शेयरिंग। डाटा और रिसोर्स शेयरिंग के लिए जो उनका जो कंप्यूटर्स का इंटरकनेक्शन होता है, इसी को ही हम कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। नेटवर्क बेसिकली क्या, एक टाइप का नेट यानी कि जो जाल होता है हमारा, ठीक है। तो इंटरकनेक्शन सारे सारे कंप्यूटर्स का क्यों, रिसोर्स शेयरिंग के लिए, उसको हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। बेसिक बेसिक ये है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है साइजेस। सो वेराइज फ्रॉम साइज से स्मॉल फ्यू कंप्यूटर्स टू लार्ज न्यूमरस कंप्यूटर्स। तो साइज यार अलग अलग साइज में मिल जाते हैं हमारे कंप्यूटर्स। तो यहाँ पे इनका नेटवर्क कोई छोटा भी हो सकता है नेटवर्क, और कोई नेटवर्क बड़ा भी हो सकता है। नेक्स्ट कंपोनेंट्स क्या क्या होता है इसमें, होस्ट हो सकता है जैसे कि सर्वर, डेस्कटॉप, लैपटॉप्स एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस हो सकते हैं जैसे कि स्विचेस, राउटर, मॉडम्स। ये क्या नेटवर्किंग डिवाइसेस है, इनके बारे में हम आगे इसी वीडियो में फर्दर पढ़ेंगे। एंड डाटा ट्रांसमिशन कैसा हो सकता है, वायरलेस या फिर वायर्ड हो सकता है और पैकेट्स में होता है। एंड लास्ट चीज नोड क्या है, एनी डिवाइस कैपेबल ऑफ डाटा ऑपरेशन जैसे कि मॉडम और स्विचेस, इनको क्या कहते हैं, नोड कहते हैं, ठीक है। तो बहुत बेसिक बेसिक चीज है, बेसिक इंट्रोडक्शन है कंप्यूटर का। तो यहाँ पे आई होप आपको सब कुछ कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड बेसिक चीजें पता चल गई होंगी। बेसिकली क्या है कंप्यूटर का नेटवर्क, क्या है अलग अलग कंप्यूटर्स का एक टाइप का जाल है, जो कि क्या करता है, हमारे रिसोर्स शेयरिंग में हेल्प करता है। नेक्स्ट हमारा आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ इंटरकनेक्टिविटी में। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ इंटरकनेक्ट यानी कि हम अगर कनेक्ट रहते हैं अलग अलग कंप्यूटर से, हम अपने रिसोर्स शेयरिंग करते हैं, तो इंटरकनेक्टिविटी का फिर बेनिफिट क्या है, ठीक है। तो यार ये नोट्स जो है पूरी पूरी तरीके से NCERT, सुमिता अरोड़ा, प्रीति अरोड़ा, जो भी बुक्स हैं सारी की सारी बुक्स को देख के, और CBSE का जो 2023 से 2024 वाला सिलेबस है उनको देख के वाले नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है। तो इस वाले नोट्स में सारी की सारी चीज़ें ईजिली कवर हो रखी है, अच्छे से बहुत बढ़िया ढंग से कवर हो रखी है। तो इन नोट्स के ऊपर आप ईजिली रिलाई कर सकते हो। नोट्स डाउनलोड करना तो फिर टेलीग्राम में लिंक दे रखा है, साथ साथ में आप उनका प्रिंटआउट निकाल के इनको कर भी सकते हो रिवीजन के लिए, राइट। तो बेनिफिट्स ऑफ इंटरकनेक्टिविटी देख लेते हैं कि क्या क्या इंटरकनेक्टिविटी के बेनिफिट्स हैं। फैसिलिटेट्स रियल टाइम इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, ईमेल्स, वेबसाइट्स, कॉल्स। तो देखो यार, सबसे पहले रियल टाइम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो सकता है। यहाँ से मुझे किसी को कुछ बात बतानी है, किसी को कुछ मैसेज भेजना है, कोई भी इंफॉर्मेशन मेरे को अगर शेयर करनी है तो मैं उसको रियल टाइम में उसी टाइम पर भेज सकता हूँ। मतलब मैंने यहाँ पर आज अभी मैसेज भेजा और वहाँ पर रिसीव भी हो गया, ठीक है। तो रिसीव करना, सेंड करना कोई भी डाटा को, कोई मैसेज को, ठीक है, कोई इंफॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। एनेबल रिसोर्स शेयरिंग, प्रिंटर स्टोरेज, इसकी वजह से क्या होता है, प्रिंटर स्टोरेज में अगर हमें कोई रिसोर्स शेयर करना है, कोई भी फाइल हमें ट्रांसफर करनी है, तो वो हम इजीली ट्रांसफर कर पाते हैं। नेक्स्ट चीज़ है फॉर्मेशन ऑफ पर्सनल नेटवर्क्स वाया हॉटस्पॉट्स। तो हॉटस्पॉट्स के थ्रू भी हम पर्सनल नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। तो ये सब है इंटरकनेक्टिविटी के बेनिफिट्स। नेक्स्ट हमारा जाता है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग। अच्छा, ये वाला जो इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग का टॉपिक है यार, यहाँ पे ज़्यादा आपको डीप से कुछ पढ़ना नहीं है, ठीक है। 11th में भी आपका सेम टॉपिक आ रखा था चैप्टर 1 के ही अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कुछ चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको एरपनेट पता होना चाहिए, ठीक है। एरपनेट की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट इज एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। तो ये आपकी एरपनेट की फुल फॉर्म है, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि इससे कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। एंड 1961 में इसका आइडिया आया था, ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए वो पता होनी चाहिए, द टर्म इंटरनेट वॉज कॉइंड कब, द फर्स्ट कमर्शियल यूज ऑफ इट ARPANET was started in the name of Telnet. टेलनेट के नाम से जो फर्स्ट इंटरनेट था उसका यूज स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो आपको बस ये दो मेजर इंफॉर्मेशन बस याद रखनी है, बाकी यहां पर कुछ ज्यादा खास काम का नहीं है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग में से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स। तो यार यहाँ पे हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला नेटवर्क पैन, पैन यानी कि पर्सनल एरिया नेटवर्क। देखो यार, पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा नेटवर्क होता है जो कि हम खुद के पर्सनली यूज करते हैं। जैसे कि यार हो सकता है कि अभी ये मेरा माइक है, ठीक है, ये मेरा माइक वायर्ड माइक है, तो फिर ये क्या है, मेरा पर्सनल एरिया नेटवर्क का है क्योंकि मैंने इसको केबल से डायरेक्टली अटैच कर रखा है और ये सारा का सारा डाटा वो रिसीव कर रहा है, माइक रिसीव कर रहा है और उसमें डाटा डेटा जा रहा है। तो कुछ इस तरीके से क्या यहाँ पे पर्सनल एरिया नेटवर्क हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि डिवाइसेस क्या, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, स्मार्टफोन्स, जो भी 10 मीटर की रेंज के अंदर हो उनको हम पैन के अंदर कवर कर सकते हैं। तो 10 मीटर के अंदर अंदर अगर मैं कोई भी चीज़, कोई भी शेयरिंग कर रहा हूँ तो वो हम क्या हो सकते हैं, अच्छा दोनों तरीके से हो सकती है, ये वायरलेस भी हो सकती है और वायर्ड तरीके से भी हो सकती है, इसको हम क्या बोलेंगे, पैन बोलेंगे। तो
तो वायर्ड क्या होगी हमारी, जैसे कि यूएसबी कनेक्शन से मान लेते कि हमें एक फोन, मुझे फोन से लैपटॉप में डाटा भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यूएसबी केबल का यूज करूंगा, जिससे कि मैं जो वीडियो फोन में रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो मैं कंप्यूटर में भेज के उसको एडिट वगैरह करके उसको अपलोड कर सकता हूँ। तो वहां पर क्या है, ये मैंने अपना खुद का पैन नेटवर्क क्रिएट किया। तो फिर अगर हम बोलेंगे कि ये कौन सा नेटवर्क मैंने क्रिएट किया, तो पैन है, राइट। एंड इसके बाद वायरलेस में जैसे कि ब्लूटूथ आ जाता है, जैसे कि ब्लूटूथ पता है आपको, ब्लूटूथ कहाँ पे होता है, एक पर्टिकुलर रेंज होती है हमारी कमरे के अंदर की, अगर हम वहीं पर ही डाटा शेयर करते हैं तो फिर ब्लूटूथ में हमारा पहुंच जाता है, अदरवाइज ब्लूटूथ का कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है, राइट। तो ये सब कुछ चीज आपको पता होंगी। तो ये हो गया आपका पैन, याद कैसे रख सकते हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क, पर्सनल यानी कि अपने ही यूज में होता है, ठीक है, और शॉर्ट रेंज होता है, इतना ध्यान रखना, दो बातें मेनली कि कम रेंज होगी इसकी और ये पर्सनल एरिया होगा, खुद के ही हम लोगों के नॉर्मल यूज के लिए होगा, हमारे हमारे डिवाइसेस के यूज के लिए होगा, लाइक हमारा लैपटॉप, फोन और भी कोई इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है, हेडफोन्स वगैरह, हमारे पर्सनल यूज के लिए होगा। और क्या याद रख सकते हो, यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ इसके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं, जैसे कि वायर्ड में क्या है यूएसबी कनेक्शन और वायरलेस में क्या है ब्लूटूथ। तो यहाँ पे जैसे कि आपको दिख रही सारी सारी चीज़ें, हेडफोन्स, फोन, प्रिंटर या फिर माउस, लैपटॉप, ये सारी सारी चीज़ें जो एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, जो हम अपने ही घर में कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन, इज कैन बी कॉल्ड एज पैन, राइट। नेक्स्ट हमारा जाता है लोकल एरिया नेटवर्क वे। अच्छा, लोकल एरिया नेटवर्क क्या है, देखें जरा, कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ लिमिटेड एरिया। लोकल एरिया नेटवर्क में जो रेंज है वो पैन से थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। यहाँ पे हम सारे के सारे कुछ एक लिमिटेड एरिया के अंदर हम अपनी इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज कर सकते हैं, कनेक्टिविटी थ्रू वायर्स, इथरनेट केबल्स, ऑप्टिक्स फाइबर। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका वाईफाई, जो कि हमारे नॉर्मली घर में हमें मिल ही जाता है, ठीक है। जो भी हम लोग अगर अपने घर में वाईफाई यूज करते हैं, आपके घर में भी वाईफाई लगा होगा, तो फिर दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लैन, ठीक है। वो क्या आपका एक लैन का एग्जाम्पल है, उस वाईफाई से आप कोई भी डिवाइसेस कनेक्ट करा सकते हो। यहाँ पे आपकी रेंज थोड़ी सी वाईफाई की बढ़ जाती है अगर आप ब्लूटूथ यूज करोगे, ब्लूटूथ के लिए बहुत पास की रेंज होती है, बट वाईफाई के लिए आप दूर दूर तक भी, आप लाइक छत तक भी आपका वाईफाई आप इजीली एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपकी चीजें क्या हो गई, वाईफाई हो गया, फाइबर ऑप्टिक्स हो गई, इथरनेट केबल्स हो गई, जो भी वायर्स के थ्रू हो सकते हैं, तो ये सारी सारी चीजें आपकी लोकल एरिया नेटवर्क यानी कि लैन के अंदर आती हैं। सबसे पहले पर्सनल, जो कि शॉर्ट है, सबसे ज्यादा कम रेंज का है, देन हमारा आ जाएगा हमारा लैन, दैट इज लोकल, हमारे लोकल के लिए, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे ऑफर्स हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर्स, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट मेजर पॉइंट है, दैट इज यहाँ पे हाई स्पीड डाटा ट्रांसफर होता है, ठीक है। डाटा की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट होती है, लाइक 10 Mbps से 1000 Mbps तक की कोई भी स्पीड हमें मिल सकती है। और यस, वाईफाई में ऑब्वियसली स्पीड हाई होती है, तो प्रोवाइड सिक्योरिटी फॉर ऑथेंटिक यूजर्स। तो अब एक वाईफाई है, वाईफाई से हमने सब कुछ कनेक्ट कर दिया, अपना सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, ठीक है, ये हमने सारी सारी डिवाइसेस एक साथ कनेक्ट कर दिया, प्रिंटर, तो उसके थ्रू क्या है, हम सारी सारी चीज़ों को इजीली अपने पर्सनल, अपने लोकल एरिया में एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है हमारी मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अच्छा, ये वाला क्या है, एक्सटेंड्स लैंड कवरेज टू लार्ज एरियाज लाइक सिटीज और टाउन्स। यहाँ पे यार आप ये समझ सकते हो कि ये लोकल एरिया नेटवर्क का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि लोकल एरिया नेटवर्क बस हमारे लोकल लोकल के लिए था, यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन यानी कि जैसे कि आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ का नाम सुना होगा, यानी कि जो थोड़ी ज़्यादा डेवलप्ड है, जहाँ पे इजिली, जैसे कि हम यहाँ पे समझ सकते हैं सिटीज़, टाउन्स, बड़े बड़े, ठीक है, जो कि ज़्यादा डेवलप्ड है कंपेरेटिवली बाकी बाकी जगहों से रिलेटेड। तो यहाँ पे लार्जर एरियाज को कवर करता है, सिटीज टाउन्स तक को कवर कर देता है, राइट, समझ सकते हो आप। बट यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे लोअर डाटा ट्रांसफर होता है, डाटा ट्रांसफर रेट एज कम्पेयर टू लैन कम होगा, यानी कि आपको यहाँ पे उतनी अच्छी स्पीड नहीं मिल सकती, राइट। इसके बाद क्या है, एग्जाम्पल जैसे कि केबल टीवी नेटवर्क्स आते हैं, ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज, ये जो भी होते हैं केबल टीवी के नेटवर्क्स होते हैं, ठीक है, इनकी जो केबल आती है हमारे घर में टीवी में लगने वाली, और ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विस, ये सारी सारी चीज़ें मैन के ऊपर वर्क करती हैं, ठीक है। इनके इनका जो नेटवर्क होता है कौन सा होता है, मैन होता है, दैट इज मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसकी जो रेंज होती है वो यार 30 किलोमीटर, 30 से 40 किलोमीटर तक की एक्सटेंड की जा सकती है, तो अच्छी खासी रेंज यहाँ पे हमें मिल जाती है, सबसे कम पैन में, उससे थोड़ा बढ़ के लैन में, उससे थोड़ा बढ़ के मेट्रोपॉलिटन में। एंड देन इसके बाद लास्ट जो हमारा आता है वो आता है वाइड एरिया नेटवर्क, दैट इज वैन, ठीक है। तो आप इसको इस सीक्वेंस में याद रख सकते हो, सबसे पहले ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे कम रेंज आपकी किसकी होती है, पैन की, फिर लैन की, फिर मैन की, फिर वैन की, राइट। सब अब यहाँ पे देखो, सब कनेक्ट्स लैन एंड मैन अक्रॉस डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस। ये क्या करता है, ये लैन और मैन को कनेक्ट करता है। लैन क्या मतलब, लोकल एरिया नेटवर्क, और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम कौन करेगा, वैन करेगा। और ध्यान से देखो, डिफरेंट ज्योग्राफिकल लोकेशंस, यानी कि ये बहुत दूर दूर तक इसकी रेंज हो सकती है, जैसे कि क्लियरली यहाँ पे लिखा होगा, एग्जाम्पल्स कनेक्टेड बिजनेस ब्रांचेज, एजुकेशनल और इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एंड यहाँ पे ध्यान आपको रखना है, वैन सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, ठीक है, वैन से बड़ा कोई नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे इंटरनेट जो है वो लार्जेस्ट वैन है, एक एग्जाम्पल अगर हम बोले विच इज द लार्जेस्ट वैन, तो इंटरनेट इज द लार्जेस्ट वैन, इंटरनेट, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरे के पूरी सारी की सारी डिवाइसेस को कनेक्ट कर देता है एक साथ, ठीक है। बिलियंस ऑफ डिवाइसेस लैंस एंड ग्लोबली कनेक्टेड टू इंटरनेट, मतलब सारी ही डिवाइसेस जो भी है हमारे इंटरनेट से ही कनेक्टेड हो रखे हैं, तो सबसे बड़ा वैन क्या बन जाता है, हमारा इंटरनेट, ठीक है।
तो ये सब चीज़ें यहाँ पे मेनली यहाँ पे किसके लिए यूज़ के, बिजनेस ब्रांचेस हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, कोई दूर दूर जगह पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको कनेक्ट कराना है, ठीक, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं उनकी, उनको कनेक्ट कराना है, ठीक है, लाइक या फिर मान लेते हैं बैंक्स हैं, बैंक के डाटा रिकॉर्ड्स हैं तो उनको कनेक्ट कराना है, एक बैंक यहाँ पे, एक दूसरा एक किसी और सिटी में है या फिर किसी और कंट्री में है मे बी, ठीक है, उन सब चीज़ों को कनेक्ट कराने के लिए, बिजनेस ब्रांचेस को कनेक्ट कराने के लिए हम वैन का यूज़ करेंगे। तो आई होप ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई होंगी, साथ साथ में डायग्राम दे रखा है, डायग्राम के साथ आप इजीली ज़्यादा अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपका आता है नेटवर्क डिवाइसेस। अच्छा, नेटवर्क डिवाइसेस के अंदर सबसे पहला मॉडम। अब देखो मॉडम क्या होता है, मॉडम देखो यार नाम से ही बहुत ईजी है समझना, मॉडम यानी कि जो क्या करे, मॉड्यूलेट करे और डीमॉड्यूलेट करे, बस आप इतना समझो। अब मॉड्यूलेट करना डीमॉड्यूलेट करना क्या होता है आगे समझते, देखो कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग सिग्नल्स फॉर एंड वाइस वर्सा, जब हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, राइट, और जब उन्हीं एनालॉग सिग्नल्स को वापस से डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट करते हैं उसको बोलते हैं डीमॉड्यूलेशन। देखो ध्यान से समझते हैं, जैसे कि ये वाला जो कंप्यूटर दिख रहा है ये आपका है सेंडर्स कंप्यूटर जो कि आप सेंड कर रहे हो, राइट, एंड ये वाला जो इस साइड वाला कंप्यूटर है यानी कि जो आपका जो लेफ्ट साइड वाला कंप्यूटर है दैट इज योर वो वाला कंप्यूटर जो कि सेंड करेगा एज अ सेंडर एक्ट कर रहा है, एंड ये वाला जो कंप्यूटर है दैट इज राइट साइड वाला ये क्या करेगा एज अ रिसीवर एक्ट करेगा। तो यहाँ पे होता क्या है, ये जो कंप्यूटर जो सेंड कर रहा है इसने कोई मैसेज भेजा, अब ये जो मैसेज है ये कैसे जाता है, ये मैसेज एज अ डिजिटल सिग्नल जाता है। अब इस डिजिटल सिग्नल को मेरा मॉडेम क्या करेगा यानी कि एक टाइप से मेरा राउटर क्या करेगा, मेरे इस डिजिटल सिग्नल को टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू किसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको मॉड्यूलेट कर देगा। मॉड्यूलेट कैसे करेगा, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदल देगा। तो ध्यान से समझो, जो ये स्क्वायर टाइप्स के दे रखे हैं ये आपका डिजिटल सिग्नल है, राइट, तो डिजिटल सिग्नल गया मॉडेम के अंदर, मॉडेम ने क्या किया इसको मॉड्यूलेट कर दिया और इसको एनालॉग बना दिया, अब ये एनालॉग सिग्नल के तरीके से जा रहा है। अब ये जो एनालॉग सिग्नल है, अब यहाँ पे जो दूसरा राउटर होगा जो कि दूसरा रिसीवर के पास है, उस राउटर वो वाला राउटर क्या करेगा, इसी नेटवर्क के थ्रू जो भी है ये जो डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो सिग्नल्स आ रहे हैं एनालॉग सिग्नल्स आ रहे हैं, राइट, तो इन एनालॉग सिग्नल्स को ये क्या करेगा डिजिटल में कन्वर्ट करेगा, यानी कि क्या कर रहा है ये डीमॉड्यूलेट कर रहा है। तो यहां से जो मैसेज आया यहां पे इसने क्या किया, इस वाले कंप्यूटर ने इसको मॉड्यूलेट किया और उस मॉड्यूलेटेड मैसेज को यहां पे डीमॉड्यूलेट किया इसने, और इसने डीमॉड्यूलेट करके वापस कहां पे भेज दिया, रिसीवर के कंप्यूटर में, और वो मैसेज आ गया। तो यानी कि जो भी मैसेज हम भेजते हैं डायरेक्टली उसी फॉर्म में नहीं जाता, पहले वो मैसेज किस में कन्वर्ट होता है, वो जो सिग्नल्स होता है नॉट मैसेज, वो सिग्नल्स के फॉर्म में जाता है, तो जो पहले जो सिग्नल होता है वो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में करता है और उसके बाद उसी एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में करता है ताकि वो रिसीवर वापस उसको रिसीव कर सके। मॉड्यूलेटर एट द सेंडर साइड एंड डीमॉड्यूलेटर एट द रिसीवर साइड। तो जो यहाँ पे होगा जो सेंडर कर रहा है, जो सेंड कर रहा है मैसेज उसके एंड से तो मॉड्यूलेटर बन जाएगा, मॉड्यूलेटर की तरह एक्ट करेगा वो, और जहाँ पे वो रिसीव कर रहा है उसकी तरह एंड पे वो डीमॉड्यूलेटर की तरह एक्ट कर रहा होगा। नेक्स्ट आता है हमारा इथरनेट कार्ड, दैट इज हम इसको एनआईसी भी बोलते हैं, एनआईसी यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी बोलते हैं इसको, तो नेटवर्क अडेप्टर फॉर वायर्ड कनेक्शन। ये क्या है, वायर्ड कनेक्शन के लिए, देखो एनआईसी आप ये समझ सकते हो जितने भी आपको कनेक्शन देने होते हैं ना वाईफाई वगैरह के थ्रू, वो हर जगह पे हमारा एनआईसी यूज होता है, मतलब एनआईसी के बिना ना आप कोई भी नेटवर्क से कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, एनआईसी या फिर हम कह सकते हैं इथरनेट कार्ड के बिना। ये आजकल ज़्यादा डिवाइसेज में, फोन्स में, वाईफाई में, हर जगह जो भी आपके डिवाइसेज होते हैं लैपटॉप्स में, सब में ऑलरेडी इनबिल्ट आता ही है, ठीक है। तो इथरनेट कार्ड क्या करता है, किसी भी डिवाइस से कनेक्ट कराने के लिए, इथरनेट पोर्ट से कनेक्ट कराने के लिए हमें एक्सेस प्रोवाइड करता है कि लो भाई आपके पास इथरनेट आ गया है, अब आप किसी भी नेटवर्क से कनेक्ट कर सकते हो विया वायर्ड और विया वायरलेस। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, नेटवर्क अडैप्टर फॉर वायरलेस कनेक्शंस। माउंट्स ऑन कंप्यूटर्स मदरबोर्ड, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में यार ये जो चीज है ये एनआईसी है, ठीक है, इथरनेट कार्ड है, इसको हम कंप्यूटर के बोर्ड के ऊपर लगा देते हैं जिसकी वजह से वो क्या करता है, हेल्प करता है कि हम वाईफाई के थ्रू डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए और वाईफाई से कनेक्ट कर पाए या फिर किसी भी नेटवर्क से हम कनेक्ट कर पाए। तो इसके लिए मैं कौन हेल्प करेगा, एनआईसी। नेक्स्ट सपोर्ट्स डाटा ट्रांसफर फ्रॉम 10 Mbps टू 100 Gbps, डाटा ट्रांसफर का आपको दिखाई रखा है, ठीक है, कितना कितना, 10 Mbps से 1 Gbps तक का डाटा ट्रांसफर ये सपोर्ट करता है। एंड ईच एनआईसी हैज अ यूनिक मैक एड्रेस, तो हर एक एनआईसी के पास एक अपना मैक एड्रेस होता है। तो ये आप समझ सकते हो, जैसे कि यार आपका फोन भी होगा, फोन में भी आप अगर सेटिंग्स अबाउट फोन में जाओगे तो आपके फोन का अपना एक मैक एड्रेस होगा, तो वो किसका मैक एड्रेस है, आपका जो उसके अंदर का एनआईसी है उसका मैक एड्रेस है, राइट, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो। अगला है आपका RJ45 कनेक्टर, ये क्या होता है, ये एक 8 पिन का एक्सक्लूसिवली इथरनेट कनेक्टर होता है, इथरनेट केबल से कनेक्ट करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, इथरनेट केबल्स के लिए। एंड स्टैंडर्ड इंटरफेस सीन एट द एंड ऑफ द नेटवर्क्स, तो ये कुछ टाइप से आप देख सकते हो, RJ45 8 पिन का कनेक्टर होता है जिसको कि हम इथरनेट केबल में यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका रिपीटर। अच्छा, आपके मन में एक क्वेरी हो सकती है कि भैया ये सब जो नोट्स हैं इसमें तो आपने बहुत कम डिटेल्स लिखी हुई है, हमने तो ज़्यादा डीप में पढ़ा नहीं। तो देखो यार, यहाँ पे ये वाला चैप्टर बहुत लेंदी है एंड ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपको हर चीज़ के बारे में कुछ ना कुछ पता हो, रेदर देन एक चीज़ के बारे में ज़्यादा पता हो, ठीक है। तो यहाँ वाले चैप्टर से आपको पता होना चाहिए हर चीज़ का क्या क्या काम है, क्या यूजेस है और वो कैसा दिखता है। बस अगर आपको ये सब चीज़ें पता है तो उसमें आपका काम हो जाने वाला है, इससे आगे ज़्यादा कुछ क्वेश्चन आते नहीं है। वरना हम इसके बाद सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे इसी चैप्टर से, नेटवर्क डिवाइसेस वाले चैप्टर से। एक बार सारा सा सिलेबस कंप्लीट हो जाए तो सारे के सारे क्वेश्चंस हम एक साथ प्रैक्टिस भी करेंगे, उस वजह से आपको ज्यादा क्लैरिटी भी उससे मिल जाएगी, राइट। इसके बाद हम रिपीटर, रिपीटर क्या होता है, बहुत बेसिक सी चीज है यार। देखो, जब हम बहुत लंबे डिस्टेंस में नेटवर्क को या फिर कोई हम इंफॉर्मेशन को शेयर कर रहे होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। मतलब मुझे यहां से मुझे बहुत दूर तक कोई इंफॉर्मेशन भेजनी है, तो इसके बीच में जो सिग्नल्स होंगे वो बीच में वीक हो जाएंगे। तो मुझे क्या, मैं क्या चाहता हूँ कि सिग्नल स्ट्रांग हो जाए, सिग्नल स्ट्रांग हो जाए। तो उसको सिग्नल को स्ट्रांग करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, बीच में एक रिपीटर लगा सकता हूँ। रिपीटर क्या करेगा, वो जो वीक सिग्नल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एम्पलीफाइड सिग्नल्स में, यानी कि स्ट्रांग सिग्नल्स बेसिकली हम कह सकते हैं, एम्पलीफाइड कर देगा उनको, जिससे कि वो इजिली ट्रांसफर हो सकती हैं ओवर केबल्स, ठीक है। रीजनरेट्स वीकर नेट सिग्नल्स ओवर केबल्स नेसेसरी फॉर सिग्नल्स ट्रैवलिंग बियॉन्ड 100 मीटर। अगर कोई भी सिग्नल है जो कि 100 मीटर से ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है तो उसमें बीच में हमें एक ना एक रिपीटर यूज़ करना पड़ेगा, ताकि हम उसकी उसको फिर से एम्पलीफाई करके बढ़ा सकें आगे के लिए। नेक्स्ट इज हब। हब क्या करता है यार, डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को वायर्स के थ्रू कनेक्ट करता है, ब्रॉडकास्ट ऑल डाटा टू ऑल पोर्ट्स, सारा का सारा डाटा हर एक पोर्ट में चले जाता है, और ससेप्टेबल टू डाटा कॉलिजन्स। यहाँ पे यार डाटा कॉलिजन्स भी हो सकते हैं, तो ये आपको जैसे कि दिख रहा है सामने, इस तरीके से आपको क्या है, सारे के सारे इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डिवाइसेस इन पोर्ट्स में कनेक्ट कर सकते हैं, और जो भी एक डाटा एक तरफ से जाएगा वो हर सारे के सारे पोर्ट्स में चले जाएगा। एंड ससेप्टेबल, इसमें डाटा कॉलिजन्स भी हो सकते हैं, यहाँ से कोई डाटा भेजा वहाँ से कोई डाटा भेजा, तो डाटा के कॉलिजन्स किए जा सकते हो सकते हैं इसमें। और नेक्स्ट चीज़ आपकी आती है स्विच, दैट इज कनेक्ट्स मल्टीपल डिवाइसेस इन अ लैन। तो ये लैन में क्या करेगा, मल्टीपल डिवाइसेस को अगर हमें कनेक्ट करना है तो हम किसका यूज़ करेंगे, स्विच का, यानी कि एक ही लैन में अगर हमें बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट करने हैं तो हम लैन का यूज़ कर लेंगे, स्विच का यूज़ कर लेंगे। मतलब कि हमने हमने वहाँ से हम लैन लेके आए, लैन को हमने स्विच पर लगाया, और बाकी स्विच से क्या करा, बाकी सारे के सारे पोर्ट्स में हमने अपने डिवाइसेस कनेक्ट कर दिए। ये क्या करता है, सिलेक्टिवली फॉरवर्ड पैकेट्स बेस्ड ऑन द डेस्टिनेशन एड्रेस। यहां पे क्या करता है, सिलेक्टिवली भेजता है, ठीक है। डाटा के पैकेट्स ऐसा नहीं है कि जो भी भेजा वो सब में भेज देगा, ट्रांसफर कर देगा, अनलाइक हब की तरह। ये क्या करता है, सिलेक्टिवली भेजता है कि कौन सा पैकेट किस डेस्टिनेशन एड्रेस में जाना है, सिर्फ उसी में ही भेजता है। ड्रॉप नॉइजी और करप्ट सिग्नल्स, तो यहां पे जो नॉइजी और करप्ट सिग्नल्स होते हैं उनको ये नहीं लेता, उनको ड्रॉप कर देता है। नेक्स्ट आपका था राउटर, कनेक्ट्स लैन टू द इंटरनेट। तो राउटर क्या करता है, लैन को इंटरनेट से कनेक्ट करता है, जो आपका लैन, जो आप लैन अपने समझ गया लोकल एरिया नेटवर्क, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करने में हमारा राउटर हेल्प करता है। सो एनालाइसिस एंड फॉरवर्ड्स डाटा पैकेट्स बिटवीन नेटवर्क्स, और ये एनालाइज करेगा और डाटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करेगा। यानी कि राउटर आप ये समझ सकते हो, जो भी हम क्वेरी भेजते हैं ना, वो डायरेक्टली हमारे हमने फ़ोन से तो सर्च मारी, हमें लगा कि हमने फ़ोन से ही सर्च मारी और हमारे फ़ोन में ही आ गई, बट वो डायरेक्टली ऐसा नहीं हो रहा होता। वो जो क्वेरी है वो सबसे पहले हमारे राउटर के थ्रू जाती है, और जो राउटर ने हमें आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया है तो वो उस राउटर के थ्रू जाती है, राउटर क्वेरी पूछता है, ठीक है, क्योंकि हम वाईफाई से कनेक्टेड हैं। जब हम वाईफाई से कनेक्टेड होते हैं, यानी कि हमारे पास एक लैन होता है, तो वो राउटर मैसेज भेजता है आगे फर्दर, और उस राउटर से हमें वापस डाटा मिलता है जो कि राउटर पे आता है, उसके बाद राउटर हमें फॉरवर्ड करता है। तो कुछ इस तरीके से ये सारी चीजें वर्क करती है, ठीक है। हमारे जो डाटा इंटरनेट होता है डायरेक्टली हमसे कम्युनिकेट नहीं कर रहा होता, हमारे राउटर बीच में होता है उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और भी बाकी सब पर्पजेस के लिए। तो कैन रीपैकेज डाटा फॉर ट्रांसमिशन ओवर डिफरेंट नेटवर्क्स, तो ये डाटा को रीपैकेज कर सकता है ट्रांसमिशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में। तो बेसिक सी चीज़ें, ठीक है, नॉर्मल चीज़ें, ठीक है, ये आप सब कुछ समझ सकते हो। अगली चीज़ बात करता है गेटवे की। तो देखो यार, गेटवे क्या होता है, एक्ट्स एज एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट। देखो यार, नाम से ही पता समझ में आ रहा है आपको, गेटवे, गेट यानी कि एक टाइप का गेट। तो गेट यानी कि क्या, ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की तरह काम करेगा, ठीक है। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क में ये क्या करेगा, एज अ एंट्री और एग्जिट पॉइंट, यानी कि अगर कोई भी डाटा आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कोई भी इंफॉर्मेशन आ रही है, तो आपको वो गेटवे से पास करानी पड़ेगी। उसका एक जो एड्रेस गेट है, मेन एंट्री और एग्जिट पॉइंट, वो गेटवे है। एंड रूट्स डाटा पैकेट्स एंड मेंटेन्स कनेक्शन इंफॉर्मेशन, सारी की सारी मेंटेनेंस जो भी करेगा यार ये एक ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क की, वो सब कुछ गेटवे मेंटेन करता है, ठीक है। डाटा पैकेट्स को राउटिंग करना एंड कनेक्शन इंफॉर्मेशन को मेंटेन करना, कौन सा इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन सी इंफॉर्मेशन जा रही है, कौन सा डिवाइस ने कनेक्ट किया, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारी गेटवे में स्टोर होती है। तो गेटवे बेसिकली हम समझ सकते हैं हेड होता है, जैसे कि आपको सबसे दिख रहा है टॉप पे, तो एक टाइप से हेड होता है पूरे पूरे सिस्टम का, एक कंप्यूटर नेटवर्क का। ऑफन इंटीग्रेटेड विद फायरवॉल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, गेटवे के ऊपर हम कई बार हम इसमें फायरवॉल भी लगा देते हैं, जिसकी वजह से कोई भी हमारा अनऑथोराइज तरीके से हमारे नेटवर्क के अंदर घुस नहीं सकता, ठीक है। तो हम गेटवे में क्या लगा देते हैं, फायरवॉल लगा देते हैं, जिसकी वजह से हमारा नेटवर्क ज़्यादा सेफ रहता है, और हम किसी भी अनऑथोराइज एक्सेस से हम प्रोन नहीं होते कि हम कोई भी एक्सेस कर लेगा, हमारे कोई नेटवर्क में घुस जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। तो गेटवे हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है। तो ये सब कुछ आप
समझ सकते हो। नेक्स्ट चीज आती है आपकी टोपोलॉजी। तो देखो टोपोलॉजी बहुत अच्छा टॉपिक है, ठीक है। टोपोलॉजी क्या मतलब है कि हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को किस किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले टोपोलॉजी आपकी इसमें है बस टोपोलॉजी। टोपोलॉजी होती क्या है देख लेते हैं। तो टोपोलॉजी मतलब है कि बेसिकली हम डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, उनका एक अरेंजमेंट बेसिकली डिवाइसेस का किस किस तरीके से किया जा सकता है, वो हमारी टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है। अब डिवाइसेस का अरेंजमेंट समझ गए। अब सबसे पहले भाई, अगर जैसे कि सबसे पहले आपको ध्यान रखना है बस बस, यानी कि अब जैसे कि यार बस होती है ना, बस में क्या होता है कि एक सीधे एक स्ट्रेट लाइन में चलती रहती है, जो भी पैसेंजर्स होते हैं वो उससे दोनों गेट से, अगर इधर के गेट से एक गेट से कनेक्ट होते रहते हैं। तो सेम इसी टाइप का इसका रूट एकदम सेम सीधा होगा और बाकी सब डिवाइसेस इससे कनेक्ट हो रखे होंगे एज अ बस। अब जैसे कि ये समझ सकते हो ये बस है, ये बस गई यहाँ से, गया और यहाँ पर कोई एक स्टेशन पर रुका, यहाँ से नेटवर्क लिया, यहाँ पे रुका, यहाँ से हमने कंप्यूटर डिवाइस, तो कंप्यूटर डिवाइसेस सारे इससे इधर उधर से कनेक्ट हो रखे होते हैं, ठीक है। हम कह सकते हैं परपेंडिकुलरली कनेक्ट हो रखे होते हैं, ठीक है। हमारी बस सीधे चल रही है और उससे बाकी सब डिवाइसेस ऐसे कनेक्ट हो रखे हैं। और यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हो, ईच डिवाइस कनेक्ट टू द शेयर ट्रांसमिशन मीडियम बस से कनेक्ट करता है, एंड डाटा सेंट फ्रॉम अ नोड आर ट्रांसमिटेड अराउंड द बस इन बोथ डायरेक्शन। मतलब मान लेते हैं कि इस वाले कंप्यूटर ने अगर कोई डाटा शेयर किया तो फिर दोनों डायरेक्शन में शेयर हो जाएगा, इस भी डायरेक्शन में और इस भी डायरेक्शन में, राइट। एंड चीपर होता है और इजी टू मेंटेन होता है, बट लेस सिक्योर होता है, लेस रिलायबल होता है। तो यहाँ पे इसकी साइड साइड डिटेल्स देखिए, सारी सारी चीजें बता रखी है क्या क्या है, कि ये चीपर है, इजी टू मेंटेन है, बट ये लेस सिक्योर है और इसमें हम इतना रिलाय हम नहीं कर सकते, सिक्योरिटी इसमें कम है। अगली बात करते हैं हम यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी की। स्टार टोपोलॉजी नाम से ही बहुत क्लियर हो रहा है, स्टार की तरह दिखेगा, ठीक है, राइट। या फिर यानी कि बीच में एक सेंट्रल होगा और बाकी सब जो होंगे वो उसके साथ कनेक्टेड हो रखे होंगे। तो देख सकते हो सेंट्रल नोड जो होता है हमारा हब या फिर स्विच बोल सकते हैं इसको, तो एक सेंट्रल नोड होगा जिसके साथ बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रखे होंगे। इफेक्टिव एफिशिएंट एंड फास्ट कम्युनिकेशन, यहाँ पे कम्युनिकेशन फास्ट होती है, इफेक्टिव होती है और एफिशिएंट होती है। फेलियर इन सेंट्रल नोड अफेक्ट्स एंटायर नेटवर्क, ऑब्वियस सी बात है भाई। मान लो अगर कि हमारा सेंट्रल नेटवर्क खराब हो गया तो फिर हम बाकी सारे नेटवर्क्स को क्या ही कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें डिपेंड किसके ऊपर हो रही है, सेंट्रल नोड के ऊपर। सेंट्रल नोड हम आपका राउटर हो सकता है, ठीक है, आपका स्विच हो सकता है, हब हो सकता है, जो भी आपका सेंट्रल नोड जिससे बाकी सारे डिवाइसेस कनेक्ट हो रखे हैं इन द फॉर्म ऑफ अ स्टार, ठीक है। अगर वो स्टार की तरीके से कनेक्ट हो रखे हैं, यानी कि एक बीच में सेंट्रल होता ही है, सेंट्रल नोड आपका स्टार में रहेगा ही रहेगा। अगला आता है हमारा ट्री या फिर हाइब्रिड टोपोलॉजी। ट्री का मतलब यार पेड़ की तरीके से, पेड़ जैसे होता है ना, अपनी ब्रांचेस बनाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की या फिर हायरार्कीज क्रिएट करता है। सेम यहाँ पे भी आप हायरार्कियल स्ट्रक्चर देख सकते हो, मल्टीपल ब्रांचेस होती हैं इसकी। जैसे कि एक स्ट्रेट, पहले तो एक बस जाता दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन जा रही है, अब इसकी अलग अलग ब्रांचेस निकली और उन ब्रांचेस की अपनी अपनी भी सब ब्रांचेस हैं। तो आप इस तरीके से देख सकते हो, एक ये गया यहाँ से, मतलब आप ये समझ सकते हो एक टाइप से बस और ये स्टार का इंटरलिंक्ड है। एक बस से बहुत सारे नेटवर्क गए और वो जो सारे सारे नेटवर्क हैं वो सब किससे कनेक्टेड हैं, वो अलग अलग अपने अपने डिवाइसेस से कनेक्टेड हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टार, ठीक है। तो ये आप इसको इजीली समझ सकते हो। यहाँ पे देखो ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है, ये स्टार है और बीच में एक बस चल रही है, ऐसा कुछ समझ सकते हो। इसलिए इसको हम हाइब्रिड भी बोलते हैं, ठीक है। तो ईच ब्रांच में हैव डिफरेंट बेसिक टोपोलॉजीज लाइक रिंग, स्टार और बस। तो हर एक ब्रांच में अलग अलग टाइप की टोपोलॉजीज एक्ट बन सकती हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे सिर्फ एक ही हो, या फिर हो सकता है यहाँ पे एक पूरी पूरी बस नई बस चल रही हो, तो वो आप चीज़ें समझ सकते हो। बेसिकली यहाँ पे हाइब्रिड है, आप नया कनेक्शन जो भी बनाओगे वो आपका हायरार्कियल तरीके से चलेगा, उसका नाम ट्री टोपोलॉजी ही होगा। कॉमन इन वैन्स कनेक्ट इन मल्टीपल लैंस, तो वैन में बहुत ज़्यादा कॉमन है जो कि लैंस को कनेक्ट करता है ना, डिफरेंट टाइप के। वैन क्या करता है, लैंस को कनेक्ट करता है। तो कॉमन इन वैन एंड कनेक्ट इन मल्टीपल लैंस, तो डाटा पासेस थ्रू सेंट्रल डिवाइसेस बिफोर रीचिंग ब्रांचेस अलाउइंग फॉर द डाइवर्सिटी डाइवर्स कनेक्शन। तो ये सब चीज़ें हमारी हो गई यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी के अंदर। डायग्राम आपको दिख ही रहा है, अगर कोई क्वेश्चन आता है ट्री और टोपोलॉजी से रिलेटेड तो आप ये वाला डायग्राम भी बना सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो, बहुत अच्छा खासा डायग्राम है, राइट। अब हम आ जाते हैं नेटवर्क प्रोटोकॉल्स के ऊपर। तो यार आई होप अभी तक जो भी चीज़ हमने पढ़ी वो सब कुछ आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है तो नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है यार, आप वहाँ पे इजीली कमेंट कर सकते हो, अपनी क्वेरी पूछ सकते हो, ठीक है। और बात करते हैं हम आगे पढ़ते हैं चैप्टर, टाइम बहुत कम है हमारे पास। तो नेक्स्ट चीज़ हमारे पास नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे नेक्स्ट चीज़ क्या आती है हमारे पास, HTTP दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम हमने बहुत सुना हुआ है यार, अच्छा यहाँ पे कई बार S भी लगता है पीछे। अब जो अभी प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं सारे सारे सिक्योर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, तो जो भी वेबसाइट हम एक्सेस करते हैं सबके पीछे से HTTPS लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो यूज फॉर वेब कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर्स, तो ये किसके लिए, क्लाइंट्स और सर्वर्स के बीच में जो होता है वो हम यहाँ पे इसमें यूज़ करते हैं HTTPS। बेसिकली वेबसाइट्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ये आपको पता चल गया। फैसिलिटेट्स ट्रांसफर ऑफ हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स, हाइपर टेक्स्ट यानी कि HTML वेबसाइट जो भी हैं उन सब में हम क्या है इसी का ही यूज़ करते हैं। यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स जितनी भी वेबसाइट हैं जो भी हम क्लाइंट सर्वर के थ्रू करते हैं, सारी की सारी चीज़ें क्या होती है HTTPS की ही प्रोटोकॉल के थ्रू होती हैं। तो यानी कि वेबसाइट्स किस किस प्रोटोकॉल के ऊपर काम करती है, HTTPS प्रोटोकॉल दैट इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट इज FTP। FTP याद रखना यार, ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। FTP का क्या मतलब है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे कि हम फाइल को कोई भी ट्रांसफर कर रहे हैं तो उस टाइम पे जो प्रोटोकॉल लग रही है उसको हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो एनेबल्स फाइल ट्रांसफर बिटवीन क्लाइंट्स एंड सर्वर। तो अगर क्लाइंट और सर्वर के बीच में हमें कोई भी टाइप का फाइल ट्रांसफर करना है तो वो किस प्रोटोकॉल के थ्रू होगा? वो होगा हमारा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू। अगला है हमारा सपोर्ट अपलोड डाउनलोड डिलीट ऑपरेशंस। तो यहाँ पे क्या क्या ऑपरेशंस हो सकते हैं? अपलोड हो सकता है, डाउनलोड हो सकता है, डिलीट ऑपरेशंस, सब कुछ। अब मान लेते हैं जैसे कि मैंने यूट्यूब पर अगर कोई वीडियो डाली तो उसके ऊपर कोई कौन सी प्रोटोकॉल लग रही होगी? मान सकते हैं कि उसके ऊपर FTP प्रोटोकॉल लग रही होगी, दैट इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्योंकि मेरी जो वीडियो है वो एक टाइप की फाइल है एंड उसको मैं अपलोड कर रहा हूँ, उसको मैं डिलीट कर सकता हूँ, उसको मैं डाउनलोड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लग रही है। अगला है PPP, दैट इज पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। तो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल एस्टेब्लिशेस डायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन नोड्स। नोड्स के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन बनाने का काम कौन करेगा? PPP करेगी। यानी कि अगर दो नोड्स हैं उनके बीच में कनेक्शन बनवाना डायरेक्टली तो वो पॉइंट टू पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का, ऐसा समझ सकते हो। कॉमनली यूज फॉर डायलअप कनेक्शंस। डायलअप इंटरनेट कनेक्शन क्या होता है? जैसे कि हमारे जो मोबाइल नेटवर्क्स की जो कॉलिंग होती है, ये जो सब कुछ होती है, ये सब कुछ डायलअप इंटरनेट कनेक्शंस होता है, ठीक है? तो जब उसमें जो साइट चीज यूज होती है मोबाइल की कॉलिंग वगैरह की फैसिलिटीज के लिए, डायलअप्स के लिए, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं? PPP का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा SMTP, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है? तो ये भी आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? सेंड्स ईमेल्स बिटवीन, तो जो भी अगर हमें मेल ट्रांसफर करना है, ईमेल्स लिखना है, तो वो साइट कौन सी प्रोटोकॉल्स के ऊपर वर्क करता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दैट इज SMTPS। SMTP और डिफाइंस ईमेल मैसेज ट्रांसफर ओवर द इंटरनेट। तो एक एक चीज़ का अपना अपना काम है, वो सब कुछ आप याद रख सकते हो। इनको हम एक साथ से अभी रिवाइज भी कर लेंगे। TCP या फिर IP। TCP क्या होता है? ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल, या फिर हम इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं, ठीक है? तो फंडामेंटल इंटरनेट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। एंड TCP एंश्योर्स डाटा डिलीवरी वाइल IP हैंडल्स पैकेट रूटिंग। तो यहाँ पे TCP क्या करता है? रिलायबल डाटा डिलीवरी में हेल्प करता है, एंड IP क्या करता है? पैकेट रूटिंग के लिए हेल्प करता है। तो TCP IP दोनों के दोनों अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं। TCP क्या करता है? ट्रांसफर्स को कंट्रोल करता है, एक जगह से दूसरी जगह जो भी ट्रांसफर हो रहा है, डाटा डिलीवरी हो रही है ना या फिर कैसे होगी, वो सारी सारी चीजें TCP हैंडल करेगा। और IP क्या करेगा? हमारी पैकेट रूटिंग में हेल्प करता है। तो TCP IP आप समझ सकते हो। नेक्स्ट आपका है POP3। POP यार प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, अगर आप साइंस वाले तो आप समझ जाओ, ठीक है? प्लास्टर ऑफ पेरिस नहीं है, ये क्या है? हमारा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। जब मैंने फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे लगा था प्लास्टर ऑफ पेरिस प्रोटोकॉल कौन सी आ गई है, ठीक है? तो ऐसी वाली प्रोटोकॉल नहीं है कुछ, मेरी वाली गलती मत करना। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, दैट इज वर्जन 3। तो 3 क्यों लिखा हुआ? क्योंकि थर्ड वर्जन है इसका। तो रिट्राइव्स ईमेल्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट। तो अगर हमें कोई भी ईमेल सर्वर से क्लाइंट के ईमेल जो है हमें रिट्राइव करनी है, तो वो सारी सारी ईमेल्स रिट्राइव करने के लिए हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस नाम से समझ लो, ईमेल्स वाल वगैरह का, मेल्स जैसे कि हम भेजते थे पहले पोस्ट ऑफिस के थ्रू, जैसे कि लेटर्स वगैरह का ट्रांसफर होता था, तो उसमें भी सेम कुछ इसी टाइप की प्रोटोकॉल लग रही है यहाँ पे, राइट? तो रिट्राइव्स ईमेल्स फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट में हेल्प करता है। अलाउज डाउनलोडिंग ऑफ ईमेल्स फॉर ऑफलाइन एक्सेस। नेक्स्ट है आपका HTTPS। अच्छा, सेम वही आ गया, HTTP ऊपर पड़ा था, यहाँ पे S लग गया है, कुछ बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे सिक्योर हो गया है बस, ठीक है? अभी तक सिक्योर नहीं था, अभी तक ऐसे ही था। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP यूज इंक्रिप्शन। यहाँ पे इंक्रिप्शन यूज हो जाता है जिससे कि ये ज़्यादा सिक्योर बन जाती है। एंश्योर डाटा ट्रांस सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन और यूज फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करनी है या फिर कुछ भी करना है, सिक्योर अगर हमें रहना है तो सिक्योर नेटवर्क बन जाता है बेसिकली ये HTTPS में। इसलिए हम सजेस्ट भी करते हैं कोई भी ऐसी वेबसाइट में हमें विजिट नहीं करना है जिसका कि हमारा प्रोटोकॉल सिर्फ HTTP हो। अगर उसमें S नहीं दिख रहा है, सिर्फ HTTP है, तो उसको विजिट नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सिक्योर वेबसाइट नहीं है। टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? प्रोवाइड्स रिमोट एक्सेस टू कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। तो टेलनेट प्रोवाइड क्या करता है यार? अगर हमें कंप्यूटर के ऊपर नेटवर्क के थ्रू हमें उसकी रिमोट एक्सेस चाहिए, मतलब मैं कहीं और पर बैठा हुआ और मैं उसको कंट्रोल करना चाहता हूँ अपने लैपटॉप को, तो वो टेलनेट के थ्रू होगा, ठीक है? प्रोवाइड्स रिमोट एक्सेस टू कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। अलाउज यूजर्स टू इंटरेक्ट विद रिमोट सिस्टम्स वाया कमांड लाइन इंटरफेस। अगर हमें किसी रिमोट सिस्टम से इंटरेक्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? कमांड लाइन इंटरफेस का भी यूज कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या कौन सी यूज होगी हमारी? टेलनेट यूज होगा, ठीक है? नेक्स्ट आपका VOIP। VOIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल मतलब जो भी हम वॉइस ओवर वाली चीज़ें हैं, ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन ऑफ द इंटरनेट, मतलब जो भी हम वॉइस कम्युनिकेशन करते हैं किसी के भी साथ, वो सारी सारी चीज़ें से होती है हमारी VOIP से होती हैं। अच्छा, आपने लिखा हुआ भी देखा होगा कई बार, VOIP हमारे नेटवर्क्स में भी लिखा हुआ आता है, ठीक है? तो अगर आप फोन की सेटिंग्स वगैरह चेक करोगे तो फिर आपको जरूर मिलेगा। नेक्स्ट, कन्वर्ट्स एनालॉग डाटा सिग्नल्स टू डिजिटल डाटा पैकेट्स फॉर ट्रांसमिशन। तो वही बात हो रही है, एनालॉग कन्वर्ट्स एनालॉग ऑडियो सिग्नल्स, ऑडियो सिग्नल्स को डिजिटल डाटा पैकेट्स में कन्वर्ट किया और वहाँ पे जाके जब रिसीवर में वापस से कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है?
नेक्स्ट आपका आता है वेब सर्विसेज। बहुत इजी टॉपिक है, कुछ खास नहीं है। WWW क्या होता है? वर्ल्ड वाइड प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। ग्लोबल कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्शन इंटरकनेक्टिंग वेब पेजेस, सारे के सारे वेब पेजेस का कनेक्शन इंटरकनेक्शन या फिर हम कह सकते हैं कलेक्शन यही है, ठीक है। कलेक्शन कौन सा है? WWW वर्ल्ड वाइड मैप में सारे के सारे वेब पेजेस का कलेक्शन है। एंड एक्सेसिबल थ्रू वेब ब्राउजर्स फॉर इंफॉर्मेशन रिटायर, किसी भी वेब ब्राउजर के थ्रू हम इसको इजिली एक्सेस कर सकते हैं। HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, स्टैंडर्ड लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। वेब पेजेस को क्रिएट करने के लिए हम HTML लैंग्वेज का यूज करते हैं। डिफाइन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट यूजिंग टैग्स, टैग्स के मदद से हम HTML लैंग्वेज को लिख सकते हैं। बेसिकली यार एक टाइप की लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अगर हमें वेब डिजाइनिंग सीखनी होती है, ठीक है, तो वेब डिजाइनिंग में हम क्या करते हैं? HTML सीखते हैं सबसे पहले वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए। अगला है हमारा XML, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एनकोड्स डॉक्यूमेंट्स फॉर ह्यूमन एंड रीडेबल मशीनरी, तो फैसिलिटेट्स डाटा एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम्स। तो ये क्या करता है? डाटा एक्सचेंज दो सिस्टम्स के बीच में या फिर किसी भी सिस्टम्स के बीच में डाटा एक्सचेंज को फैसिलिटेट करने के लिए XML का यूज होता है, दैट इज एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। अगला है डोमेन नेम। अच्छा, अब डोमेन नेम क्या होता है? अच्छा देखो, डोमेन नेम मतलब आपका ये हो गया, जैसे कि मान लेते हैं अगर हम अभी कोई वेबसाइट बनाते हैं, हम HTML के थ्रू कोई नॉर्मल अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है, नोटपैड वगैरह में, तो आप देखोगे उसके ऊपर ना आपका एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ आता है, राइट। तो बट अब जब हम नॉर्मल वेबसाइट विजिट करते हैं तो वहाँ पर तो कोई आईपी एड्रेस ऐसा उनका आता नहीं है, उनका तो अलग ही कुछ वेबसाइट होती है पूरी की पूरी, जो कि ह्यूमन रीडेबल होती है। सबसे बड़ी बात यही है। तो डोमेन नेम क्या होता है? हमें ये जो डोमेन नेम है, मैं दिखा देता हूँ आपको, ट्रांसलेटेड बाय DNS, ये DNS सर्वर है, ये कौन करता है? इनको ट्रांसलेट कर देते हैं उन सब आईपी एड्रेसेस को एक डोमेन नेम में जो कि ह्यूमन रीडेबल होता है, ठीक है। तो कौन? DNS सर्वर्स प्रोवाइड करते हैं। हम जैसे कि हम कहते हैं डोमेन नेम खरीदना है, वेबसाइट बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? पहले डोमेन नेम लेना पड़ता है, तो डोमेन नेम बाय करना पड़ता है। डोमेन नेम से क्या होता है? हम जो वेबसाइट के एड्रेसेस हैं उनको ह्यूमन रीडेबल बना सकते हैं, इंसानों के पढ़ने वाला बना सकते हैं। अब जैसे कि मान लेता है www.youtube.com। अब यार youtube.com का नाम, जो यूट्यूब आया है, जो डोमेन नेम है इसका, ये कहाँ से आया है, ठीक है। तो ये जो डोमेन नेम है उन्होंने परचेस किया होगा जो भी है, ठीक है, तो उनका खुद का डोमेन नेम है ये। इंटरनली देखा जाए तो फिर ये एज आईपी एड्रेस स्टोर होता है, बट हमें दिखने को वो कैसे दिखता है? एज अ वेबसाइट नजर आता है, एज अ डोमेन नेम नजर आता है। अगला है यार हमारा URL, दैट इज यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या करता है? स्पेसिफाइज वेब रिसोर्स लोकेशन एंड कंसिस्ट ऑफ प्रोटोकॉल्स, डोमेन नेम एंड पाथ। तो ये रिसोर्स लोकेट करने में यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का हाथ होता है, जो भी वेब रिसोर्स को लोकेशन कौन किसकी कहाँ पे लोकेशन है, क्या पाथ है, क्या प्रोटोकॉल है, वो सब कुछ URL सेट करता है। URL बेसिकली यार आप समझ ही गए होंगे, ठीक है। वेबसाइट, वेबसाइट क्या होती है? कलेक्शन ऑफ रिलेटेड वेब पेजेस, आई थिंक ये कवर हो गया था, ठीक है। बेसिकली वेबसाइट, हाँ सिमिलर सा ही है। यहाँ पे क्या होती है वेबसाइट, आपको पता ही है, एक ही जैसे वेब पेजेस का कलेक्शन को वेबसाइट कहते हैं, एक ही चीज़ से रिलेटेड। एंड होस्टेड बाय वेब सर्वर्स एंड एक्सेसेस बाय ब्राउजर्स, ब्राउजर्स से हम एक्सेस कर सकते हैं। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेबसाइट्स को एक्सेस करने के लिए जैसे एक सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उसको हम वेब ब्राउजर्स कहते हैं। आसान चीज़ है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। इंटरप्रेट्स HTML डॉक्यूमेंट्स फॉर डिस्प्ले, HTML जो लैंग्वेज HTML लैंग्वेज में लिखा हुआ होता है, HTML CSS में, उसको एक इसमें ट्रांसफर कर देता है। ये वेब ब्राउजर्स कन्वर्ट कर देते हैं जो उनकी लैंग्वेज है, ठीक है, उसमें कन्वर्ट कर देते हैं। नॉर्मल ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं HTML लैंग्वेजेस को। वेब सर्वर्स क्या होते हैं? अब देखो यार, हॉस्ट एंड सर्व्स वेब सर्वर्स वेब कंटेंट्स टू क्लाइंट्स। क्लाइंट्स को क्या करता है? ये हॉस्ट करता है और सर्व करता है वेब कंटेंट। वेब का सारा सारा कंटेंट जो होगा वो क्लाइंट को कौन देगा? वेब सर्वर्स देंगे, राइट। एंड रिस्पॉन्स टू ब्राउजर रिक्वेस्ट फॉर वेब पेजेस, ये क्या करता है? वेब सर्वर ही होता है जो कि क्या करता है? वेब पेजेस की रिक्वेस्ट को ब्राउज करता है, रिस्पॉन्ड करता है उसके ऊपर। तो वेब पेजेस की रिक्वेस्ट को कौन करेगा? वेब ब्राउजर ही उसको रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा रिक्वेस्ट का। लास्ट चीज़ हमारी वेब होस्टिंग क्या है? सर्विस प्रोवाइडिंग सर्वर स्पेस फॉर वेबसाइट्स। तो वेब होस्टिंग क्या होता है? जहाँ पे हम अपनी वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं। एंड एनेबल्स वेबसाइट एक्सेसिबिलिटी ऑन द इंटरनेट। वेब होस्टिंग की मदद से हम क्या कर सकते हैं? अपनी वेबसाइट को इंटरनेट के ऊपर ईजिली एक्सेस करा सकते हैं, ईजिली एनेबल करा सकते हैं। तो यार ये सारी सारी चीज़ें हमारी रिलेटेड थी, देख सकते हैं आप, ये सारी सारी चीज़ें रिलेटेड थी हमारी कंप्यूटर नेटवर्क चैप्टर से। एंड आई होप यार आपको पूरा पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चैप्टर बहुत ईजी है, थोड़ा थ्योरी सी ज़्यादा है, ठीक है, थ्योरी बहुत ज़्यादा हो जाती है इस चैप्टर में, बट बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है, ठीक है। इसको अच्छे से कर लो। एंड इसके बाद यार इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट PYQs वगैरह भी मैं बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक के लिए बाय बाय।